उनके पास टापों के नीचे रौंद डाला, जिस प्रकार से हमारी बहन और बेटियों पर हमला किया, जिस प्रकार से किसानों के खून से पूरे हिसार की धरती को लहूलुहान लुहान कर दिया, ये हम भूलेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हिसार में कोविड केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह पर जो कुछ हुआ उसकी जितनी शब्दों में जैसा भी निंदा की जाए उत्कम पड़ती है। हमारे किसान लट खाने के लिए नहीं है, वो देश का अनाज उगाने के लिए है। लेकिन इस मामले पे जो कुछ भी राजनीति हो रही है उसके सारे पहलू आप तक लेकर आना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, कोविड केयर हॉस्पिटल के जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है उसका नाम देवीलाल के नाम पे रखा गया। अच्छी बात है, किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए ताउम्र उन्होंने जंग लड़ी और उनके लिए संघर्ष किया। उनके नाम पे कोविड केयर का जो अस्थायी हॉस्पिटल है उसका नाम मुख्यमंत्री जी ने रखा, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के समारोह, जब दो गज की दूरी बहुत है जरूरी जैसे स्लोगन देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे बड़े नेता दोहराते हैं, उस दौर में इकट्ठे एक साथ खड़े होकर रिबन काटने जैसी जो परंपराएं हैं, क्या उनको कुछ समय के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अब तो बारात में भी 11 लोगों की ही इजाजत। दूसरी बात, किसानों ने जो उनका विरोध किया है, इससे प्रमुख बात यहाँ पर है कि ये जो विरोध प्रदर्शन के फैसले हैं ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के फैसले हैं। किसानों को अपनी मांग शांति से रखनी है, लेकिन इस तरह की किसी भी घटना का जिम्मेदारी कौन लेगा ये भी बहुत सोचने की बात है। क्योंकि वहाँ पर माताओं बहनों के सिर तक क्यों ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि किसानों के बच्चे जो पुलिस में काम कर रहे हैं उनको अपने ही लोगों पर पत्थर बरसाने पड़े, क्यों ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, ये सोचने की बात है। गुरनाम सिंह चिढ़ोनी ने एक वीडियो जारी कर दिया, वो रामायण टोल पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश में 6-7 जगहों पर अभी तक जाम लग चुका है, यहाँ पर हजारों किसान खड़े हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, घरों में रखना था, उस समय इस तरह के जो हरकतें हैं, इस तरह के जो काम हैं, इस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी अब किस पर डाली जाए? क्योंकि दो गज की दूरी बहुत है जरूरी का पालन तो अब नहीं हो रहा है, क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये एक बड़ा सवाल है और इस पे चिंतन करने की जरूरत है। इसके साथ ही एक जो पहलू है जिस पर बात की जानी चाहिए, हालांकि कुछ साथियों को बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, मुजफ्फरनगर में आज योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम था जो कोरोना की स्थितियों का जायजा लेने के लिए, अस्पताल के प्रबंधन का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरनगर आ रहे थे। किसान आंदोलन का ये गढ़ है और नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत जी के भाई हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के विरोध का फैसला, आज वो प्रशासन से बातचीत करने के बाद आज कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। क्योंकि नरेश टिकैत ने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ जी कोरोना का के चलते आ रहे हैं तो ऐसे में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। उनके भाई राकेश टिकैत जी हिसार आ चुके हैं, IG ऑफिस पहुंच चुके हैं और खट्टर सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास की स्थिति क्यों है? एक तरफ बड़े भाई हैं जो विरोध प्रदर्शन का फैसला मुजफ्फरनगर में, जो उनका गढ़ है वहां पर योगी आदित्यनाथ का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिसार में वो विरोध प्रदर्शन के लिए, वो हिसार में लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। दो चरित्र नहीं होने चाहिए। सिर्फ उड़वाने के लिए हरियाणा का किसान नहीं है, ना सिर्फ उड़वाने के लिए यूपी का किसान है, ना सिर्फ उड़वाने के लिए देश के कई अन्य हिस्सों का है। फैसला विरोध प्रदर्शन का हुआ है और निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हुआ है तो जिम्मेदारी दोनों पक्षों की बनती है, उनकी भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो, और उनकी भी बनती है जिनके ऊपर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आयोजनों से माहौल बिगड़ेगा। क्योंकि अब माहौल ठीक नहीं है तो ऐसे उद्घाटन डिजिटली भी किए जा सकते हैं, जैसे फोटो आ रहे हैं निश्चित तौर पे वहां पे कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं हो रहा है, रिबन काट रहे हैं, 20 आदमी उनके साइड में खड़े हैं, कोई दूरियां नहीं है। क्या संदेश हम लोगों को देंगे?
पश्चिम बंगाल चुनाव में जो नेताओं की रैलियां थी, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके लेकर आलोचना कर रहे हैं लोग। ऐसे में क्या इस तरह के समारोह ठीक हैं? एक सवाल इस मामले में ये भी उठ रहा है कि जो देवलाल जी को सम्मान दिया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिस परिसर में वो कोविड केयर हॉस्पिटल बना है, सावित्री जिंदल जी जो स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की पत्नी है, उन्होंने जनता के लिए अपनी जमीन वहां पर उपलब्ध कराई है, संसाधन उपलब्ध कराए हैं, क्या उनका उस बोर्ड पे अगर एक नाम होता तो कोई वो बोर्ड छोटा पड़ जाता? क्या उद्घाटन समारोह में उनका हक नहीं बनता था? सवाल तमाम पहलू सारी चीजों के हैं और सारे पहलू सामने आने चाहिए। अगर नरेश टिके जी को वहां पे विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया क्योंकि कोरोना के चलते हैं, तो क्या यहाँ विरोध प्रदर्शन जायज है? नहीं तो फिर यहाँ भी विरोध प्रदर्शन उनको रद्द करना चाहिए? इस तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अगर इस तरह का समारोह हो रहा था तो विपक्ष को भी पता था, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते, मुख्यमंत्री को विनम्र आग्रह उनसे करते कि आप ऐसे उद्घाटन समारोह मत करें, क्योंकि इस तरह की स्थितियों से माहौल बनता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं है, रास्ता भी दिखाना है। निश्चित तौर पर सरकार का ये बहुत बड़ा फेलोर मैं इसको कहूँगा कि कोरोना के समय में जब इतनी महामारी के स्तर पे हमारे पास जरूरी संसाधन नहीं है, उस समय में ऐसे आयोजनों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं, तो विपक्ष को भी कहना चाहिए, उनको विपक्ष को भी उनको रास्ता दिखाना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप भी बताएं कि इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है।